News 18, India. बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन थोड़ी देर में भारत मंडपम पहुंचेंगे पीएम मोदी। पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव पर करेंगे बात। अधिवेशन में पेश होगा मोदी की गारंटी और राम मंदिर पर प्रस्ताव। दिल्ली आबकारी मामले में आज राउज रेनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी पर संशय। दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव पर होनी है चर्चा। कांग्रेस के बैंक खातों पर कार्रवाई के मामले में आयकर विभाग के सूत्रों ने खाते फ्रीज करने से किया इनकार। कहा टैक्स बकाए की रकम न चुकाने पर हुआ एक्शन। ट्रिब्यूनल ने दी खातों से लेन देन किए जा सके। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। महागठबंधन की सरकार में आरजेडी के विभागों की होगी समीक्षा। किसान संगठनों से जारी बातचीत के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों की मुश्किलों के लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्यों नहीं किए फैसले। जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया। सरस्वती विसर्जन शोभा यात्रा में बिहार से झारखंड तक बवाल। दरभंगा और भागलपुर में शोभा यात्रा में जमकर हुई पत्थरबाजी। रांची में हंगामे के बाद लगाई गई धारा 144। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में फरार 9 आरोपियों को के पोस्टर किए गए जारी। पुलिस के जारी पोस्टर में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को मोस्ट वॉन्टेड किया गया घोषित। रिजर्व बैंक ने बैंक वॉलेट चलाने के मामले में पेटीएम को दी 15 दिन की राहत। अब 29 फरवरी के बजाय 15 मार्च तक पेटीएम की बैंकिंग सेवाओं का हो सकेगा इस्तेमाल। उसके विपक्षी नेता अलेक्जी नवेलिनी की जेल में संदिग्ध हालात में मौत। राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ किए थे कई प्रदर्शन। रूसी एजेंसियों ने पुतिन को दी नवेलिनी की मौत की जानकारी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। थोड़ी देर में दिल्ली में बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। भारत मंडपम में आज होने वाली बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठक में शिरकत करने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में पहुंचने वाले हैं।